नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज ब्रायोफाइटा के जो क्रम में जो हमारा लेक्चर चल रहा है, आज का यह तीसरा और अंतिम लेक्चर है। आज का जो लेक्चर होने वाला है वह होने वाला है रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा में जनन के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहला हमने इंट्रोडक्शन और उसके हैबिट और हैबिटेट के बारे में बात किया था। जो दूसरा लेक्चर था वो हमारे थायलस स्ट्रक्चर के बारे में था, और आज का जो तीसरा लेक्चर है रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइटा के बारे में। चलिए देख लिया जाए ब्रायोफाइटा में रिप्रोडक्शन कितने विधि द्वारा होता है। तो देखिए दोस्त, सबसे पहले हम बता दें, रिप्रोडक्शन जानते हैं कि जीवों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है, ठीक है, मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। सभी जीवधारियों का एक मुख्य करेक्टर है। अगर वह अपनी तरह संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रखता है तो उसे हम जीव नहीं कहेंगे। तो यह प्रोसेस यहां पर भी है, ब्रायोफाइटा में भी है। तो ब्रायोफाइटा में जो जन्म की प्रोसेस है, दो विधियों द्वारा इसमें जनन होता है। कितने विधियां हैं इसकी, इसमें जनन की? तो दोस्तों, इसमें दो विधियां हैं जनन की। एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दूसरा है, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो इसमें जनन की विधियां हैं। अब वेजिटेटिव जानते हैं कि थैलस के किसी भी भाग से अगर कोई दूसरा, यानी थैलस बन जा रहा है, अगर ग्रो कर जा रहा है, तब उसे हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। जैसे हमको कई भाग में बांट दीजिए और नए नए बियार आ जाए, तब इसे क्या कहेंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैसे गन्ने को देखा है, गन्ने को कई भागों में काट देते हैं, तो उसे फिर से गाड़ दिया तो नया गन्ना बन गया, तो यह क्या हो गया? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इसमें भी कई विधियां हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी, जैसे बाय ग्रेजुअल डेथ एंड डीके, यानी जो मृत पुराना पौधा है, ओल्ड पौधा है, उसके सड़ने गलने से। जैसे मान लीजिए कि ये थैलस है, ठीक है, अब यहां सड़ता गलता हुआ चला जा रहा है, अब कहीं से यहां भाग पे पहुंचा सड़ते गलते, और यहां से अलग भाग हो गया, यहां से अलग, और ये जर्मिनेट किया, फिर से नया थैलस बना दिया, तो हो गया बाय ग्रेजुअल डेथ एंड डीके, सड़ने गलने से, उसकी मृत्यु होने से जो शेष भाग है उसके द्वारा जो बन गया उसे कह दिया, ठीक है। दूसरा है बाय फ्रेगमेंटेशन, मतलब विखंडन के द्वारा किसी कारण से कई भागों में अगर ये बट गए तो फिर से जर्मिनेट हो गए, तो इसे कहेंगे बाय फ्रेगमेंटेशन। अगला है बाय फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी प्रोटोनीमा। देखिए, एक तो बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ प्राइमरी प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा क्या है भाई? स्पोर के अंकुरण के बाद की जो प्रोसेस हो जाती है उसे कहते हैं प्रोटोनीमा। क्या कहते हैं दोस्त? उसे कहते हैं प्रोटोनीमा, जब मैच्योर थैलस में डिवाइड नहीं रहता है, तो इससे भी, इसके द्वारा भी क्या होता है, इस संरचना के द्वारा भी नया थैलस बन जाता है, ठीक है। अगला है बाय बल्बिल्स। किसके द्वारा? बल्बिल्स के द्वारा, पत्र प्रकलिकल के द्वारा होता है। अगला जो इसमें विधि है बाय फॉर्मेशन ऑफ जिम्मी। तो ये तो जिम्मी के द्वारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिम्मी, ठीक है, क्योंकि मार्केंसिया में है जो जिम्मा है। चलिए इस पे मैं एक शॉर्ट नोट बनाऊंगा, शॉर्ट नोट सभी लेक्चर लेकर के आ जाऊंगा, ठीक है, बीच में आपको समझा दूंगा कि जिम्मी और जिम्मा क्या है। अगला है बाय फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबर। किसके द्वारा? ट्यूबर के बनने के कारण भी। ट्यूबर अगर बन गया फिर अनफेवरेबल कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशन आई, फिर से अंकुरण किया और नया बना दिया थैलस। अगली जो विधि है वो है बाय एपोस्पोरी। किसके द्वारा? एपोस्पोरी के द्वारा। तो इसको देख लीजिए, एपोस्पोरी क्या है दोस्त? एपोस्पोरी देखिए, एपोस्पोरी क्या है, ध्यान दीजिए, बाय एपोस्पोरी फॉर्मेशन ऑफ, द फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट। किसका? गैमेटोफाइट का बनना डायरेक्टली फ्रॉम स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से डायरेक्टली किसका बन जाना? गैमेटोफाइट का, विदाउट मियोसिस, बिना मियोसिस के। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? यह कहलाती है एपोस्पोरी, ठीक है। क्या कहलाती है दोस्त? ये कहलाती है एपोस्पोरी कहलाती है। तो इसमें भी यह प्रोसेस आ जाती है। चलिए आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके लाइफ, यानी इसके हम देख लें लाइफ साइकिल को, थोड़ा समझ लें, फिर आगे हम बात करते हैं। तो इस प्रोसेस को आप थोड़ा सा ध्यान दे करके समझिए, इस प्रोसेस को इसमें ध्यान दीजिए भाई। जो ब्रायोफाइटा का मुख्य पौधा है वह कैसा होता है? युग्मकोदभिद होता है। क्या होता है? वह होता है युग्मकोदभिद, ठीक है। इसकी युग्मकोदभिद होता है इसका जो मुख्य पौधा है, ठीक है। गैमेटोफिटिक होती है मुख्य बॉडी, अर्थात यह अगुणित होता है। अब देखिए इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलता है ब्रायोफाइटा में। क्या मिलता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसे कहेंगे पीढ़ी एकांतरण। क्या कहते हैं दोस्त? पीढ़ी एकांतरण, अर्थात इसमें दो अवस्थाएं होती है, एक तो गैमेटोफिटिक अवस्था होती है और एक स्पोरोफिटिक अवस्था होती है, ठीक है। तो गैमेटोफिटिक से स्पोरोफिटिक और स्पोरोफिटिक से गैमेटोफिटिक, अगर ये प्रोसेस चले तो इसे कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या कहते हैं दोस्त? इसे कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण। अब समझिए, मुख्य पौधा है इसका गैमेटोफिटिक, ये हो गया ये मुख्य पौधा। अब इसी पर देखिए,
अब क्या है इसी पर मेल और इसी पर फीमेल, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं इसमें। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं यानी मादा जननांग उसे कहते हैं आर्चीगोनिया, क्या कहलाता है वो आर्चीगोनिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। और जो मेल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है वो कहलाता है एंथ्रीडिया, क्या कहलाता है दोस्त एंथ्रीडिया, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ठीक है, ये भी अगुणित है, ये भी अगुणित है, ठीक है। अब जो आर्चीगोनिया, अभी मैं इसका फिगर बनाऊंगा और फिगर में आप देखिएगा बिल्कुल कि जैसे ये है बिल्कुल क्या है आर्चीगोनिया, इसमें नेक नेक है और ये फूला हुआ भाग विंटर कहलाता है, विंटर भाग में विंटर कैनाल सेल्स होती हैं और नेक में नेक कैनाल सेल्स होती है, कैप सेल्स होती हैं। अब उस होता क्या है कि ये एंथ्रीडिया जो ये होती फ्लास्कनुमा संरचना, आर्चीगोनिया कैसी होती है फ्लास्कनुमा संरचना होती है, ठीक है। और जो एंथ्रीडिया है ये क्लब शेप संरचना होती है, मुग्धाकार या कलेजिक जो हनुमान जी का गदा है उस गदा की तरह होता है ये, ठीक है। अब इसमें एंड्रोगोनियल जो मदर सेल्स होती हैं, एंड्रोगोनियल सेल्स होती हैं या एंथ्रोजॉइट्स, आप देखिए एंड्रोगोनियल सेल्स हैं तो इससे बन जाते हैं क्या एंथ्रोजॉइट्स। अब एंथ्रोजॉइट्स जल की धारा के द्वारा तैरते हुए मस्ती करते हुए आ जाते हैं आर्चीगोनिया के मुख पर, ठीक है। अब यहां आ जाते हैं क्योंकि देखिए इसमें निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है, ठीक है, ब्रायोफाइटा में निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है। अब आ जाते हैं, अब यहां से क्या होती है कि ये जो म्यूसिले चिपचिपे तरल पदार्थ का स्राव होता है और ये पूरे नेक कैनाल सेल नष्ट हो जाती है और एक पैसेज बना देती है और ये कीमोटैक्टिकली अपनी ओर ये इसको एंथ्रोजॉइट्स को अट्रैक्ट करती है और ये ले जाकर के इग सेल से फ्यूज करा देती है। विंटर कैनाल सेल और इग सेल, इसमें दो प्रकार की सेल होती है। विंटर कैनाल सेल का काम होता है ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करना, डेवलपिंग एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करना, और फिर ये जो इग होता है इग से फ्यूज कर लेता है ये एंथ्रोजॉइट्स और फिर क्या बना देता है जाइगोट्स, ठीक है। तो यही कंडीशन देखिए कि आर्चीगोनिया में क्या होता है इग होती है और एंथ्रीडिया में क्या होते हैं एंथ्रोजॉइट्स, वही बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइट्स होते हैं, ठीक है। अब एंथ्रोजॉइट्स और इग ये करते हैं जल की सहायता से ये क्या होता है इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, क्या होता है फर्टिलाइजेशन निषेचन, और निषेचन के पहले पहले जो ये सभी स्ट्रक्चर हैं ये कैसे हैं ये अगुणित अवस्थाएं हैं। अब उसके बाद जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये एन और ये एन तो कितना हो गया 2N, अर्थात क्या बना दिया जाइगोट बना दिया, क्या बना दिया दोस्त यहां पर फॉर्मेशन हो गया जाइगोट का, ठीक है। जाइगोट देखिए गैमीट का मतलब होता है युग्मक और जाइगोट का मतलब होता है युग्मनज, युग्मनज। अब यहां जाइगोट बन गया 2N हो गया डिप्लॉयड हो गया। अब यहां से स्पोरोफाइटिक अवस्था शुरू हो जाती है, स्पोरोफाइटिक अवस्था शुरू हो जाती है तो फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइटिक स्टेज जाइगोट, जाइगोट इसकी प्रथम सेल होती है किसकी किसकी स्पोरोफाइटिक अवस्था की। अब यहां देखिए अब यहां से फिर जाइगोट हो गया, जाइगोट में क्या होता है जाइगोट में अब डिवीजन बार बार इसमें होता है तो क्या बन जाता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो जब फॉर्मेशन होता है तो बाहर की जो कोशिकाएं होती है एम्फीथीसियम, जो अंदर की कोशिकाएं होती है वो होती है इंडोथीसियम। तो एम्फीथीसियम और इंडोथीसियम दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अब एम्ब्रियो क्या करता है एम्ब्रियो फिर से डेवलप करता है तो क्या बनाता है स्पोरोफाइट, क्या बनाता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जो अवस्था होती है तीन भाग में बट जाता है, एक तो होता है फूट और दूसरा होता है सीट और तीसरा होता है कैप्सूल, क्या होता है फूट सीटा और कैप्सूल, ये तीन स्ट्रक्चर्स इसमें बन जाते हैं। कहीं कहीं जो है सीटा अब्सेंट होती है, कहीं कहीं फूट सीटा दोनों अब्सेंट होती है तो केवल कैप्सूल होता है। तो रिक्सिया का स्पोरोफाइट सबसे सरल प्रकार का होता है, रिक्सिया का स्पोरोफाइट सबसे सरल प्रकार का होता है, इसमें केवल और केवल कैप्सूल होता है, क्या होता है दोस्त इसमें केवल कैप्सूल होता है रिक्सिया में, इसमें न तो फूट होता है न तो सीटा, और एंथोसिरास में सीटा नहीं होता, यहां होता है मेरिस्टमेटिक जोन, ठीक है, होता है मेरिस्टमेटिक जोन होता है। अब इस कैप्सूल भाग में यही बनते ही स्पोर, क्या फॉर्मेशन होता है स्पोर। तो देखिए ये कैप्सूल भाग है, क्या भाग है स्पोरोफाइटिक, ये पूरी की पूरी अवस्था है स्पोरोफाइटिक और ये भाग है ऊपर का कैप्सूल, ठीक है, अब कैप्सूल है, कैप्सूल से ये स्पोर क्या होते हैं मुक्त होते हैं। अब ये स्पोर जैसे ही यहां आ गए स्पोर किस अवस्था में आ गए अगुणित अवस्था में आ गए, ठीक है, अगुणित अवस्था में आ गए तो फर्स्ट सेल गैमेटोफाइटिक प्रथम कोशिका होती है क्या होते हैं हैप्लॉयड सेल्स, क्या होती है स्पोर होता है। अब स्पोर क्या करता है नमी उमी पाया तो ये बिल्कुल जर्मिनेट करने लगता है, क्या करेगा जर्मिनेशन करता है, जर्मिनेशन करके कहीं कहीं प्रोटोनिमा बनाता है और उसके जर्मिनेशन के बाद किसको गैमेटोफाइट बना देता है, क्या बना देता है दोस्त यहां गैमेटोफाइट। तो यहां ध्यान दीजिए कि यहां से यहां तक की जो कंडीशन है
ये कंडीशन पूरा देखिए, ये अगुणित पूरा अगुणित है, सब यन है। तो इस यन अवस्था यहाँ पर इसको कहेंगे गैमेटोफाइटिक, और इधर जो पूरी अवस्था है यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, टू यन, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, तो ये टू यन है, क्या है, टू यन। तो यन से टू यन, टू यन से यन, तो ये हो गया अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या हो गया दोस्तों, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो गया। अब आगे अगर हम बात करें, देखिए जरा यहाँ पर अब मेल और फीमेल दोनों को हम एक एक करके समझते हैं। देखिए पहले कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट को भी आप ध्यान दीजिए जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त, जहाँ से क्वेश्चन आता है इसको आपको ध्यान देना है। अब समझिए यहाँ पर जो सेक्स ऑर्गन इसमें क्या होते हैं, ब्रायोफाइटा मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड, कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर और जैकेटेड होते हैं, ठीक है, बहुकोशिकीय और जैकेट के द्वारा घिरा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऊगैमस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है भाई, इसमें ऊगैमस, जैसे आपने नाम सुना होगा तीन आइसोगैमस, एन आइसोगैमस, ऊगैमस, ऊगैमस का मतलब है कि एक जो मोटाइल होता है दूसरा नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। तो इसमें मेल क्या होता है, मेल जो होता है वो मोटाइल होता है क्योंकि फ्लैजिला होंगे, और फीमेल एक जो होता है नॉन मोटाइल होता है। तो इस प्रकार का अगर कहीं रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है तो उसे हम कहेंगे ऊगैमस, क्या कहेंगे, ऊगैमस। प्लांट्स में भी मोनोइसियस और डायोइसियस, यहाँ पर जो इसका जो थैलस है वो मोनोइसियस अथवा डायोइसियस हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर अब बात करते हैं मेल गैमेटोफाइट की, ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन की, मेल सेक्स ऑर्गन फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन, यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं इसको भी मैं देखता हूँ, इसको समझाता हूँ आपको, मेल और फीमेल को। देखिए ध्यान दीजिए पहले मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में, तो जो मेल सेक्स ऑर्गन है इसे कहा जाता है एंथ्रीडिया, मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडिया, उसे क्या कहते हैं, एंथ्रीडिया कहते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनिया कहते हैं। ऑन डॉर्सल सरफेस ऑफ थैलस, ये जो एंथ्रीडिया कहां बनते हैं, जैसे रिक्सिया में डॉर्सल थैलस के डॉर्सल सरफेस पे बन जाते हैं, ठीक है, बट मे बी बॉर्न ऑन द मेल रिसेप्टिकल कॉल्ड एंथ्रीडियोफोल, लेकिन हम आपको बता दें कभी कभी क्या होता है कि मेल रिसेप्टिकल जन्म देता है जिसे क्या कहते हैं, एंथ्रीडियोफोर कहते हैं, जैसे किसमें, मार्केंसिया में, ठीक है, एंथ्रीडिया कहाँ होते हैं, एंथ्रीडियोफोर पर होते हैं, किसमें, मार्केंसिया में। अब समझिए यहाँ पर एट टिप ऑफ मेल ब्रांच, मेल ब्रांच के टिप पर अगर उपस्थित है तो ये कंडीशन कहाँ देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है फ्यूनेरिया में, ठीक है, ब्रांच के मेल ब्रांच कहाँ टिप पर हो, ठीक है। अब देखिए अगली खास बात क्या है कि मोस्ट ऑफ ब्रायोफाइट्स एंथ्रीडिया एक्जोजीनस, यानी अधिकांश एक्जोजीनस इन ओरिजिन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, ये पॉइंट्स तो बहुत ज़्यादा है इंपॉर्टेंट है कि अधिकांश जो ब्रायोफाइटा होते हैं उसमें एंथ्रीडिया एक्जोजीनस इन ओरिजिन, उत्पत्ति में कैसा होता है, एंथ्रीडिया एक्जोजीनस होता है, बट लेकिन एंथोसिरास में इंडोजीनस होता है, कैसा होता है मेरे दोस्त, ये होता है इंडोजीनस, कैस कहाँ पर, एंथोसिरास में। तो यह बात आपको ध्यान देना है, हमेशा जो ओरिजिन होती है किसकी, एंथ्रीडिया की, वो एक्जोजीनस होती है, लेकिन एंथोसिरास में कैसी होती है, इंडोजीनस होता है, तो इस बात को आपको ध्यान देना है। आगे थोड़ा सा देखते हैं दोस्त, आगे हम बात करते हैं, देखिए कॉमन कॉमन पॉइंट्स को लेकर के हम चल रहे हैं यहाँ पर, जो कॉमन पॉइंट्स हैं। अब यहाँ थोड़ा सा इसका फिगर भी आप देख लीजिए, स्ट्रक्चर इसका मैंने ड्रॉ कर रखा है। देखिए एंथ्रीडियम के बारे में, सबसे पहले ईच एंथ्रीडियम शॉर्ट और लॉन्ग, सभी जो एंथ्रीडियम होते हैं या तो छोटे होंगे या तो लंबे होंगे, मल्टी सेलुलर कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, और इस दो भाग में बटा होता है, एक तो स्टॉक होता है एक बॉडी, ये भाग हो गया स्टॉक और ये पूरा भाग हो गया बॉडी, क्या हो गया, बॉडी, ठीक है, दो भाग में। शेप इसका कैसा होता है, इलिप्टिकल भी होता है, यहां पर स्फेरिकल भी होता है, मोस्टली यहां क्लब शेप्ड होता है, कैसा होता है, एंथ्रीडियम की जो संरचना होती है मोस्टली क्लब नुमा अर्थात मुग्धाकार, हनुमान जी की गदे के आकार का, ठीक है, मुग्धाकार एंथ्रीडियम की संरचना होती है। ईच एंथ्रो ज्वाइंट्स एंथ्रीडियम, अब इसी के द्वारा देखिए इसमें क्या एंड्रोगोनियल सेल्स हैं, एंड्रोसाइट मदर सेल हैं, अब यही एंड्रोसाइट मदर जो सेल्स होती हैं इसी के द्वारा क्या बन जाते हैं, ये बन जाते हैं एंथ्रोजॉइट्स। तो एंथ्रोजॉइट्स के बारे में अगर बात करें तो ईच एंथ्रोजॉइट्स हैप्लॉइड, कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं या गुणित होते हैं, तभी तो आर्चिगोनियम भी अगुणित होती है, जब फर्टिलाइजेशन होता है द्विगुणित हो जाते हैं। यूनिसेलुलर एक कोश की होता है, यूनिन्यूक्लिएट एक केंद्र की होता है, स्पाइरल होता है, सर्पिलाकार होता है, एंड बाइफ्लैजेलेट कितने फ्लैजिला होते हैं, इसमें दो फ्लैजिला होते हैं, मोटाइल मतलब चल होता है, और इसके जो फ्लैजिला दोनों कैसे होते हैं, विप्लास्ट टाइप होते हैं, कैसे होते हैं, विप्लास्ट टाइप के होते हैं। अब यहां समझिए ये एंथ्रीडियम की स्टाक है, क्या है दोस्त, ये स्टाक है, अब इसमें स्टाक हो गया और उसके बाद ये जहां एंथ्रीडिया है जिस चैंबर में, और ये संरचना इधर भी ऐसे ही बनेगी दोस्त, इधर भी होगी।
ऐसे। तो ये एंथ्रीडियल चैम्बर है, ये क्या है, पूरा एंथ्रीडियल चैम्बर में एंथ्रीडियम है। अब यहां पर देखिए ये जो छिद्र है जिसके द्वारा बाहर खुल रहा है उसे कहते हैं ऑस्टियोल। क्या कहते हैं? ऑस्टियोल कहते हैं इसको, ठीक है। एंड्रोसाइट मदर सेल्स हो गई, ये एंड्रोसाइट्स क्या हो गई, मदर सेल्स हो गई, एंथ्रीडियल चैम्बर और स्टाक हो गया। आगे देखिए हम बात करते हैं दोस्त, अब यहां पर यहां आगे देखिए जरा, अब बात करते हैं आर्चिगोनिया के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं हम, आर्चिगोनिया के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर भी थोड़ा सा समझ लीजिए आर्चिगोनिया के बारे में, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है वो कहलाती है आर्चिगोनिया। क्या कहलाती है? आर्चिगोनिया। मेल जो सेक्स ऑर्गन होता है वो कहलाता है एंथ्रीडिया। अब यहां जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है आर्चिगोनिया, इसको ध्यान दीजिए, लार्जेस्ट जो आर्चिगोनिया होती है वो पाई जाती है किसमें, फ्यूनेरिया में। किसमें? फ्यूनेरिया में सबसे लंबी आर्चिगोनिया होती है, ये बात थोड़ा सा ध्यान दीजिए। फ्यूनेरिया में कैसी होती है? सबसे लंबी आर्चिगोनिया होती है किसमें दोस्त, फ्यूनेरिया में। और जो ये आर्चिगोनिया है ओरिजिन में कैसी होती है, इक्जोजीनस। कैसी है? इक्जोजीनस, जैसे एंथ्रीडियम था वो एंथोसिरास की बात छोड़ दिया जाए तो। और जो आर्चिगोनियम का आकार है उस वो कैसा होता है, फ्लास्क शेप्ड होता है। कैसा होता है? ये है बिल्कुल आर्चिगोनियम, ये फ्लास्क नुमा है, घड़े के आकार का है, ठीक है। जो तीन भाग में बटी होती है आर्चिगोनिया, तीन भाग में, कौन कौन सा? एक तो हो गया भाई स्टाक, और दूसरा हो यहां से यहां तक हो गया नेक, और ये फूला हुआ भाग हो गया विंटर, ठीक है। स्टाक हो गया, ये नेक हो गया नेक, और ये हो गया विंटर। क्या हो गया? विंटर। नेक में नेक कैनाल सेल्स होती हैं, और विंटर में विंटर कैनाल सेल्स होती हैं, और इग सेल्स होती है। क्या होती है? विंटर में विंटर कैनाल सेल और इग सेल्स होती हैं, दो सेल्स होती हैं, ठीक है। अब समझिए यहाँ जो इसकी अगर हम बात करें नेक कैनाल सेल की, तो मोस्टली नेक कैनाल सेल की संख्या यूजली जो होती है वो होती है 6 से 9 तक। कहाँ से कहाँ तक? ये जो नेक कैनाल सेल्स हैं इनकी संख्या होती है 6 से 9 तक। लेकिन रिक्सिया में कितनी होती है नेक कैनाल सेल? वो होती हैं 4 होती हैं, 4 नेक कैनाल सेल इन रिक्सिया, ठीक है। मोस्ट ऑफ ब्रायोफाइट्स मोर देन 4, यूजली 6 to 9, यानी मुख्य रूप से 6 से 9 तक होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ रिक्सिया में कितनी होती हैं? 4 होती हैं। अब यहाँ समझिए ये कवर सेल्स होती हैं, कवर सेल्स हैं, जैसे रिप्रो जैसे एंथ्रोजॉइट्स यहाँ पहुँचता है इसके मुख पर, वैसे ये म्यूसिलियस चिपचिपे तरल का स्राव करती है, पूरी नेक कैनाल नष्ट हो जाती है, और ये मस्ती करता हुआ फिसलता हुआ सरकता हुआ पहुँच जाता है कहाँ, इग तक आ जाता है, इग तक। अब इग से फ्यूज करता है तो फिर जायगोट बनना शुरू हो जाता है दोस्त, ठीक है। जायगोट यहीं से बनना प्रारंभ हो जाता है। आगे देखिए इसकी और कंडीशन। अब यहाँ जो क्वेश्चन आते हैं उसकी मैं बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे गैमीट, गैमीट आर लास्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट जनरेशन। गैमीट जो है गैमेटोफाइट जनरेशन की अंतिम सेल्स होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि गैमीट, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बन जाता है, और जाइगोट कैसा हो जाता है, ये हो जाता है 2n हो जाता है। तो ये अंतिम सेल होती हैं, कौन? गैमीट। गैमीट आर लास्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइटिक जनरेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गैमीट यानी लास्ट सेल, गैमेटोफाइट जनरेशन की लास्ट सेल कौन होते हैं, तो होते हैं गैमीट्स। अब थोड़ा सा हम फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करें, फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करें दोस्तों, देखिए निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है, तो वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के लिए निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है। अगली खास बात क्या है, एंथ्रोजॉइट्स अट्रैक्टिव कीमोटैक्टिकली, जो एंथ्रोजॉइट्स होते हैं वो अट्रैक्टिव अट्रैक्ट किए जाते हैं किसके द्वारा, कीमोटैक्टिकली, रसायनवर्तन यानी रसायन के कारण वो क्या होते हैं, अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन जुआइडोगैमस, इस बात को आप ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ब्रायोफाइटा में जो फर्टिलाइजेशन होता है कैसा होता है, जुआइडोगैमस प्रकार का होता है। आगे देखिए, जाइगोट इज फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट, अभी मैंने बताया था स्पोरोफाइटिक, स्पोरोफाइट अगर नाम आ गया तो डिप्लॉयड, ठीक है। जो डिप्लॉयड की प्रथम जो सेल है वो क्या है, जाइगोट है। जब गैमीट क्या हो गया, लास्ट सेल हो गया गैमेटोफाइटिक जनरेशन की, स्पोरोफाइटिक सेल, स्पोरोफाइटिक स्टेज की फर्स्ट सेल क्या हो गई, जाइगोट, और स्पोर इज फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइटिक जनरेशन, ठीक है। स्पोर जो होते हैं प्रथम सेल होती हैं गैमेटोफाइटिक जनरेशन की, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिए। ये बातें, तीन बातें जो मैंने बताया, चार बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन अगर घुसा तो यहीं से क्वेश्चन निकालेगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे भी मैं बात करता हूं केवल और केवल इन्हीं प्रश्नों के बारे में, तो इसको देखिए आगे इन प्रश्नों के बारे में। ऑल ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस, सभी जो ब्रायोफाइट होते हैं इसमें दो प्रकार के स्पोर नहीं बनते कि हेटरोस्पोरस हो जाए, समझ रहे हैं,
तो इसमें होमोस्पोरस कंडीशन देखने को मिलती है, समान प्रकार के स्पोर बनते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसमें हेट्रोमॉर्फिक अथवा हेट्रोलॉगस कह सकते हैं, इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसा होता है, हेट्रोमॉर्फिक प्रकार का होता है, ठीक है। लाइफ साइकिल इसमें कैसे होती है, डिप्लोहैप्लॉन्टिक होती, कैसे होती दोस्त, डिप्लोहैप्लॉन्टिक प्रकार की इसमें लाइफ साइकिल होती है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लाइफ साइकिल कैसी होती है, वो होती है डिप्लोहैप्लॉन्टिक प्रकार की होती है। और इसमें जो मियोसिस होती है दोस्त, वो देखिए डिप्लोहैप्लॉन्टिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें मियोसिस स्पोरोजेनिक मियोसिस होती है, कैसे होती है, स्पोरोजेनिक मियोसिस होती है, मियोसिस कंडीशन हुई तो उसके बाद किसका फॉर्मेशन हो गया, स्पोर का फॉर्मेशन हो गया, किसका, स्पोर का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो दोस्त चलिए आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।